जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेल्फ स्टडी डिप्लोमा नामक पढ़ाकू चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रिले क्या होता है, यह किस तरीके से कार्य करता है, हमारा जो रिले है वह फॉल्ट होने पर किस तरीके से सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करता है और यह रिले कितने प्रकार का होता है, वह सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रिले होता है यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो कि हमारे सिस्टम को और इक्विपमेंट को हर प्रकार के फॉल्ट से बचाता है। मतलब कि हमारा जो रिले है वह एक ऐसा प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जिसके पास यह एबिलिटी होता है कि इट सेंस द फॉल्ट। मतलब कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसके पास कोई भी सेंसिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, जिसके कारण अगर हमारे सिस्टम पे किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट हो जाएगा तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उस फॉल्ट को डिटेक्ट मतलब कि सेंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर के साथ में एक रिले को लगा देते हैं। यह जो रिले है यह क्या करता है कि जब भी हमारे सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारा यह जो रिले है उस फॉल्ट को सेंस कर लेता है और उसके बाद इट ओपन द सर्किट ब्रेकर, और इसके प्रकार क्या करता है कि यह सर्किट को ओपन कर देता है। अगर हम और भी ज़्यादा आसान भाषा में बोले तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि हमें अपने सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर और रिले को एक साथ सीरीज में लगा देते हैं। तो जब भी हमारे सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारा जो रिले क्या करता है उस फॉल्ट को सेंस करता है और उसके बाद हमारा रिले कमांड दे देता है सर्किट ब्रेकर को ताकि वह अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर सके, और इस प्रकार हमारा सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेता है और हमारे सिस्टम को बचा देता है। तो इससे हम लोगों को यह पता चला कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके पास कोई भी सेंसिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, वह बस एक इंटरैक्टिंग डिवाइस होता है। इसीलिए जब भी हमारे सर्किट के ऊपर कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारा जो रिले क्या करता है कि उस फॉल्ट को सेंस करता है और तब जाकर इट ओपन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, और तब जाकर यह सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करता है और इस प्रकार हमारे सर्किट को फॉल्ट से बचा देता है। तो ये तो बात हुई हमारे रिले के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा जो रिले है यह कितने प्रकार का होता है। वीडियो के लास्ट में अगर आप लोगों को लगेगा यह चैनल आप लोगों के लिए लाभदायक है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सारा वीडियो मिल जाएगा। हमारा जो रिले है उसे सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, वह है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले और एक होता है स्टैटिक रिले। इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले बोलने का मतलब यह है कि वैसा रिले जिसके पास मूविंग पार्ट होता है, मतलब कि वैसा रिले जिसके पास मूविंग पार्ट होता है वह और वह उस मूविंग पार्ट के थ्रू हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करता है उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप रिले बोलते हैं, और वैसा रिले जिसके पास कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है उसे हम लोग स्टैटिक रिले बोलते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप रिले के बारे में पढ़ेंगे। हमारा यह जो इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप रिले है इसे बाद में और दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, वह है हमारा इंडक्शन टाइप रिले और सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। और इसके बाद हमारा जो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है इसे भी बाद में तीन पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया। फर्स्ट हमारा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, सेकेंड है हमारा सोलिनॉइड जिसे हम लोग प्लंगर टाइप रिले भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारा बैलेंस बीम टाइप रिले। तो इस तरीके से हमारा जो रिले है यह अलग अलग पार्टों में डिवाइड होता है। आइए अब हम लोग आज की इस वीडियो में अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, सोलिनॉइड टाइप रिले और बैलेंस बीम टाइप रिले के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जो हमारा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले होता है, मतलब कि यह जो है एक ऐसा रिले है जो कि अपने वर्क को कंप्लीट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो यह अपने वर्क को किस तरीके से कंप्लीट करता है आइए हम लोग उसे देखते हैं। इसके इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक आर्मेचर का यूज करते हैं।
एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग किए हुए रहते हैं। इसके इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिप मैकेनिज्म का यूज करते हैं। यह हमारा काउंटर वेट होता है और यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक बैलेंस वेट लगा हुआ होता है। तो अब यह काउंटर वेट और बैलेंस वेट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हम लोगों ने तराजू में देखा हुआ होता है कि तराजू में इस तरीके से होता है, एक लोड हमारा यहाँ रहता है, एक लोड हमारा यहाँ रहता है और यह यहाँ पर से काउंटर वेट से बैलेंस रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों साइड भार बराबर रहता है तो यह क्या इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहता है, मगर जैसे अगर हम लोग यहाँ पर वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें उसके कारण क्या होता है कि हमारा ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है और ये वाला पोर्शन हमारा नीचे चला आता है। उसी प्रकार हमारा जो यहाँ पर काउंटर वेट है यह वैसा ही काम यहाँ पर करता है। तो कैसे करता है, आइए हम लोग इसके वर्किंग में समझते हैं। इसमें क्या होता है कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब कि जब हमारे सिस्टम में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे इस यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वह बहुत ही ज़्यादा इनर्जाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे यह इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आर्मेचर को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और यह जो हमारा आर्मेचर है यह इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहता है, जिसके कारण यह ट्रिप मैकेनिज्म जो है वह ट्रिप सर्किट से कनेक्ट नहीं हो पाता है। मगर जैसे ही हमारे सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट के कारण हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई करेंट फ्लो होने लगता है। तो उस हाई करेंट के फ्लो होने के कारण क्या होता है कि हमारा यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यह बहुत ही ज़्यादा इनर्जाइज हो जाता है। तो हमारा यह इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही बहुत ही ज़्यादा इनर्जाइज हो जाता है तो उसके कारण क्या करता है कि यह हमारे इस आर्मेचर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो हमारा यह आर्मेचर जैसे ही इसके अट्रैक्ट होता है इसका जो यह ट्रिप मैकेनिज्म है यह हमारे ट्रिप सर्किट के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है और यह इस तरीके से हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है। इसी प्रकार हमारा यह रिले कार्य करता है। अब हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों को इतना समझने के बाद भी नोट्स लिखने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है, तो इसलिए मेरे भाई अगर आप लोगों को इसका नोट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, आपको उस वीडियो में ही इसके सारे नोट्स को मिल जाएगा। सेकेंड है हमारा सोलिनोइड टाइप रिले, जिसे हम लोग प्लंगर टाइप रिले भी बोलते हैं। इसका भी जो वर्किंग है यह सेम होता है पहले वाले के जैसा, क्यों, क्योंकि यह सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। बस इसमें यह डिफरेंस होता है कि इसका एक कंस्ट्रक्शन अलग होता है और उसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे यह अपने इस कॉन्टैक्ट को मेक करता है। तो कैसे करता है, आइए हम लोग इसे भी एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। इसमें हम लोग एक आयरन का प्लंगर को यूज करते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग एक सोलिनॉइड का यूज करते हैं। यह जो सोलिनॉइड है इसके हम ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि कॉइल को वोन्ड कर देते हैं ताकि यह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे जब भी इससे करेंट फ्लो हो। यह हमारा एक स्प्रिंग होता है जो कि इसमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हमारा वह टॉर्क होता है जो कि ऑपरेटिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, और ये दोनों जो है यह दोनों हमारा ट्रिप सर्किट होता है। तो अब आइए अब हम लोग यह समझते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब कि जब किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ रहता है तो हमारा यह जो वाइंडिंग है इसके पास से बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, मतलब कि जो रेटेड करंट है वही फ्लो होता है, जिसके कारण यह बहुत ही ज़्यादा इनर्जाइज नहीं हो पाता है और हमारे प्लंगर को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। मगर जैसे ही हमारे सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि फॉल्ट के कारण बहुत ही ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होने लगता है। तो उस हाई करंट के कारण क्या होता है कि हमारा यह जो सोलिनॉइड है यह बहुत ही ज़्यादा इनर्जाइज हो जाता है। तो हमारा यह सोलिनॉइड जैसे ही बहुत ही ज़्यादा इनर्जाइज हो जाता है तो उसके कारण क्या करता है कि यह हमारे इस आयरन प्लंगर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही हमारा यह आयरन प्लंगर इसके पास अट्रैक्ट हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे यह जो आयरन प्लंगर है यह एक दूसरे के साथ, मतलब कि हमारा यह जो आयरन प्लंगर है इन दोनों ट्रिप सर्किट के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है और यह इस तरीके से हमारे ट्रिप सर्किट को मेक कर देता है। हमारा यह ट्रिप सर्किट किस तरीके से सर्किट ब्रेकर को ओपन करता है ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख चुका है। तो इसी प्रकार हमारा जो यह सोलिनॉइड है यह कार्य करता है। थर्ड है हमारा बैलेंस बीम टाइप रिले। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक
बीम को लेते हैं, उस बीम को यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट पे लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक आयरन के आर्मेचर को लेते हैं और उस आयरन के आर्मेचर के ऊपर एक फिक्स्ड कॉइल को वोंड कर देते हैं। और इस फिक्स कॉइल को, इस बैलेंस बीम को हॉरिजेंटल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग को लगा देते हैं। यह स्प्रिंग क्या करता है, यह एक रिस्ट्रेनिंग टॉर्क की तरह बिहेव करता है और यह जो है, यह हमारा एक ट्रिप सर्किट होता है।